प्यारी गुरु सवारी सा संग जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी की अपार कृपा अपार बख्शी सदका अज गुरु रविदास महाराज जी दियां प्यारिया संगतां रविदासिया धर्म दे धर्म स्थान गुरु रविदास तीसरी धाम कातरज पुन्ना महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाने लई यात्रा के रूप में मिति 3 दिसंबर 2021 नूं सवेरे अमृत वेले 2 बजे डेरा सतगुरु सरवण दास जी सचखंड बल्लां तो अरदास करन तो उपरंत रवाना होईआं। ठीक सवेरे 2 बजे जलंधर कैंट स्टेशन लई जो बोले सुन रुपए जगत गुरु रविदास महाराज जी दे जयकारे लाउंदे होए संगतां रवाना होईआं। सेवादारा दी अथाह शरदा और प्रेम दा नज़ारा देखदिआं ही पता चलदा सी। ठीक 3:10 पर ट्रेन जलंधर कैंट स्टेशन पर पहुंची ते 3:30 पर गुरु दरबार ने संगतां होके तुर पईआं। सतगुरु जी की बाणी का गुणगान करद्या सफर का पता ही नहीं चलिया। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो संगतां दी ते सेवादारा दी गुरु दरबार पहुंचने की उत्सुकता होर वधी नजर आ रही सी। Thank you.
पेटा पेटा खाना बिरयानी पुलाव पेटा पेटा सेवा सिमरन सत्संग प्रेमा भगती दिरंग विच रंगिया हुई संगतां बाकी दे रेल गड्डी विच बैठे यात्रियों भी नाम दे रंग दे छिट्टे मार मार उन्हां दा भी मन रंग रही सन। अमृत बाणी दे कथन अनुसार सत्संगत मिल रही है माधो दा उपदेश दिंदी हुई यात्रा कई जंक्शनों तो गुजर रही सी। जिस जंक्शन ते ट्रेन रुके उसे जंक्शन ते रविदास महाराज जी के नाम की महिमा मानो फैलती ही जा रही सी। ਸੱਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਝਾਂਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
अभी मनमार जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। सुबह के 10:15 हो गए हैं। ये हमारे चीमा साहब गरम गरम वड़ा पाव। भाई चकराने को सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, साडे सुते हुए भाग जगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, रंगन वालिया रंगीला मेरा मन रंग दे, आदिक शब्द गाउंदे आ, ए जेलम रेलगड्डी 36 का सफर करन तो उपरंत मिति 4 December नूं शाम 4:30 महाराष्ट्र के पूना स्टेशन ते पहुंची। स्टेशन तो अगे गुरु दरबार लई गड्डियां संगतां ते सेवादारां नूं लैण लई पहुंच चुकियां सन। फिर सब संगतां गड्डियां विच सवार होके गुरु दरबार वल नूं तुर पईआं। तकरीबन 1 के सफर उपरंत सब संगतां गुरु रविदास दरबार कातरे स्पुरने विखे पहुंच गई। फिर अगली सवेर सेवादार गुरु दरबार विच सेवा विच जुट गए, क्योंकि 7 December नूं जो गुरु दरबार विच समागम होना सी उस दीआं तैयारियां विच लग गए सन। लंगर विच बीबियां सेवा विच लग गईआं। Turn it.
ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੂਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੂਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
उपरंत गुरु दरबार विच कीर्तन दरबार ते सत्संग दा आयोजन भी कीता गया। महाराष्ट्र पुणे गुरु दरबार विखे थोड़ा गर्मी का मौसम सी, ठंड नहीं सी, ते आराम नाल संगतां ने सेवावां निभाईयां। मिति 7 दिसंबर नूं गुरु दरबार कातरेज पुना तीजे धाम विखे एक वड्डा पंडाल लगा के सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया। सब तो पहला निशान साहब चढ़ाए गए। गुरु दरबार विच गुरु दा मंदर 24 घंटे अटुट वरत रहा सी। राजस्थान तो भी गुरु प्रेमी संतां पहुंचियां होईयां सन। सत्संग दौरान 7 दिसंबर नूं श्री सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी दे भोग पाए गए। उपरंत कीर्तन सत्संग की शुरुआत हुई। महाराज सतगुरु नरंजन दास जी भी पंडाल विच संगतां नूं दर्शन दे दार देने लई पहुंचे सन। कीर्तन दरबार शाम तक चलता रहा।